सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले कि आप अपने स्केचेस को कैसे डिलीवर करें, और जब भी आपको कमीशन वर्क मिलता है तो सबसे पहले जो भी बिगनर आर्टिस्ट होता है या फिर जो भी अभी न्यू अपना काम स्टार्ट कर रहा है आर्टिस्ट है या कुछ और भी प्रोडक्ट उसने स्टार्ट किया, वो कैसे डिलीवर करेगा अपने प्रोडक्ट को। सो उसके बारे में काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं और आपको इसकी वीडियो इजीली अवेलेबल नहीं मिलती यूट्यूब पर। सो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने स्केचेस को डिलीवर करें अगर आपको कोई भी कमीशन वर्क आता है तो, और कौन सी कंपनीज के साथ आप उसे सेफली डिलीवर कर सकते हो, और आप कौन सी कंपनी के साथ डिलीवर करना चाहिए क्या आपके लिए बेस्ट होगा। सो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जब भी आपको एक न्यू कमीशन वर्क मिलता है तो आपका सबसे पहले डाउट यही होता है कि हम उसे डिलीवर कैसे कराएं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी सबसे पहला डाउट यही था कि अगर मेरा कमीशन वर्क मिलता है तो मैं उसे कैसे डिलीवर करूँगा। पोस्ट ऑफिस के बारे में और कुरियर कंपनीज के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी उस टाइम पर, और काफ़ी जो बिगनर आर्टिस्ट हैं उनको भी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं उन सब के डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि आप किसी को इंस्टा पर मैसेज करते हो बड़े आर्टिस्ट को कि आप कैसे डिलीवर कराते हो हमें भी बता दो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन वहाँ से हमें रिप्लाई नहीं मिलता क्योंकि वो बिज़ी होते हैं, कुछ आर्टिस्ट बिजी होते हैं और कुछ रिप्लाई नहीं करना चाहते। सो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मैं आप सबके वो डाउट क्लियर करूँगा जो जो मुझे फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम्स एज अ बिगनर आर्टिस्ट। क्योंकि अगर हमने आर्ट कॉलेज से सीखी है या कहीं से भी किया है तो वहाँ पे हमारे टीचर्स होते हैं हमें गाइडेंस देने के लिए, लेकिन अगर हम एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता, और इन टॉपिक्स के ऊपर आपको इजीली वीडियोस भी नहीं मिलती क्योंकि सबको लगता है कि तो क्योंकि ये तो एक बेसिक टॉपिक है सो इसमें क्या ज़रूरत है। लेकिन जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनको इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी जो जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी वो सब डाउट मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि आप डिलीवर कैसे कर सकते हो। सो डिलीवर करने के दो मेथड हैं कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो, आपके एरिया में इजीली आपको पोस्ट ऑफिस अवेलेबल होगा, आप वहां जाकर स्केचेस को डिलीवर कर सकते हो और वहां पे आपको काफ़ी कम प्राइस में डिलीवरी हो जाएगी। डिपेंड करता है प्राइस कितना डिस्टेंस है, आप जहाँ से डिलीवर करवा रहे हो जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो वहाँ पे डिस्टेंस कितना है एंड आपका पार्सल का वेट कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है। सो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी डिलीवर करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट जैसा आपको चाहिए। स्पीड पोस्ट में थोड़ा जल्दी आपका पार्सल पहुँच जाएगा और नॉर्मल पोस्ट में थोड़ा नॉर्मल टाइम लगेगा। सो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू करवा सकते हो अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो जो अभी न्यू कमीशन वर्क ले रहा है और नया काम स्टार्ट किया, तो आप स्पीड पोस्ट से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो जो सेकंड मेथड है वो है प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कुरियर कंपनीज होती है आप उनका गूगल से नंबर ले सकते हो, इजीली आपको अवेलेबल होंगे आपके एरिया में, जो भी एरिया में प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल होगी कुरियर की वो आप गूगल पे आप उनका आप सर्च करोगे तो आपको उनका नंबर वगैरह मिल जाएगा और वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हो। सो ये कुछ प्राइवेट कुरियर कंपनीज हैं, गूगल पे इनका नंबर इजीली अवेलेबल होगा तो आप इनको जाके अप्रोच कर सकते हो, और ये कुछ कंपनीज के नेम मैं बता रहा हूँ, और भी कंपनीज है लेकिन मैं इन कंपनीज के नेम आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ की है कंपनीज और इनसे मैंने पार्सल कराए हैं। सो प्राइवेट कुरियर कंपनी में और स्पीड पोस्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको दोनों में से किस में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहिए वो मैं डाउट अभी आपका क्लियर कर देता हूँ कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि वो आपके घर आएंगे, आपका स्केच लेंगे और आपका पार्सल लेंगे और उसको आगे डिलीवर करा देंगे, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे जाके अपने स्केच को पार्सल कराना पड़ता है, और प्राइवेट कुरियर कंपनीज आपके घर आती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और वो डिलीवर करवाती हैं। सो आपकी हेडेक कम हो जाती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको इजीली आपके घर से सर्विस मिलती है। सो ये काफ़ी अच्छा है प्राइवेट कंपनीज में। सो जो सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपके प्रोडक्ट आपको टाइम पे डिलीवर करना है, जल्दी डिलीवर करना है, तो आप प्राइवेट कंपनी की तरफ जाओ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक सरकारी काम है, उसके अंदर टाइम लग सकता है, और अगर उसके अंदर आपका स्केच थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है तो आपको कंप्लेंट लिखनी पड़ती है, फिर आगे कंप्लेंट प्रोसेस होती है, सो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप डायरेक्ट फ़ोन पे उनसे बात कर सकते हो कि आपने दो दिन बोला था हमारे स्केच पहुंच जाएगा लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करो कि ऐसे ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपका डाउट सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनके क्लाइंट हो और वो अपने क्लाइंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि
अगर वो आपका काम अच्छे से करेंगे तभी आप उनके पास दोबारा जाओगे। सो इसलिए वो आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकारी काम में ऐसा नहीं होता, उनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। वो वहाँ पे आपको ट्रैक करने का आईडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिसप्लेस हो सकता है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो आप प्राइवेट में जाओ, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है, एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन अगर हम देखें तो प्राइवेट कंपनी थोड़ी सी कॉस्टली जरूर होती है, लेकिन उससे आपको काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पार्सल कराते हो और टाइम पर आप उसे भेज सकते हो। सो अब बात करते हैं कि आपको जो भी आपका स्केच है उसको डिलीवर करते हुए उसके ऊपर एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखना है। सो जो प्राइवेट कुरियर कंपनी होती है उसमें इतना फॉर्मेट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस से डिलीवर करवा रहे हो, स्पीड पोस्ट से करा रहे हो, सो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्या आपका फॉर्मेट है। सो मैं आपको अभी वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सो टू लिखकर यहाँ पे हम अपने क्लाइंट का नेम लिखेंगे। मैंने एग्जांपल पे पोपटलाल लिख दिया है। देन ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे क्लाइंट का नेम है जो तारक मेहता कुटेश्वर पोपटलाल है, उसका एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है। सो इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट का नेम पोपटलाल है। देन हमें अपने क्लाइंट का एड्रेस लिखना है जो हमने उनसे लेना है, तो यहाँ पे हम उनका एड्रेस लिख देंगे। देन आपको उनके एरिया का पिन कोड उनसे मांगना है और फ़ोन नंबर मांगना है। तो सो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है ताकि जब भी हमारा जो भी डिलीवरी मैन होगा वो उनके पास जाएगा, उनके एरिया में जाएगा, तो वो उनको फ़ोन करके उनसे पूछ सकता है कि आप अवेलेबल हो, मैं आपका पार्सल लेके आया हूँ। तो वो आपस में बात कर लेंगे और वो आपस में कॉन्टैक्ट करके अपना पार्सल ले लेंगे। सो अगर हमारा पार्सल वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो घर पे नहीं है, तो वो हमारा पार्सल वापस कैसे आएगा हमारे एड्रेस पे? तो हमें अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है ताकि हमारा पार्सल कहीं पे मिसप्लेस ना हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे नहीं है कोई, काफ़ी दिन हो गए हैं, वो कोई रिसीव नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो पार्सल हमारा वापस हमारे एड्रेस पे आ जाए। तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस लिखना होता है फ्रॉम अमित, कि मैंने भेजा है इनको, अमित ने भेजा है अपने क्लाइंट को। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम अमित, यहाँ पे मेरा एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ताकि हमारे पास सेफली वापस आ जाए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। सो ऐसे हमें अपना एड्रेस लिखना है। सो ये मैंने एग्जांपल लिया है, सारा एड्रेस मेरा, फ़ोन नंबर मेरा है। सो जब भी आपको अपना पार्सल करना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे टू करके क्या लिखना है और फ्रॉम करके क्या लिखना है। सो आप इसको गलत मत लिखना कि आप टू में अपना एड्रेस लिख दो और फ्रॉम में उनका एड्रेस लिख दो, ऐसा नहीं करना। टू के बाद आपको उनका एड्रेस लिखना है, फ्रॉम के बाद अपना एड्रेस लिखना है। ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। सो अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, वैसे सबको पता ही है। सो जब भी आपको पार्सल करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। देन आप इसके ऊपर टेप लगा सकते हो ताकि रास्ते में आपका जो ये नेम है इसके ऊपर कुछ लगे, पानी लगे या कुछ भी लगे, तो आपका पार्सल ख़राब ना हो। सो स्केच को कैसे पैक करना है अच्छे से, सेफली वो पहुंच जाए, कैसे हार्ड होगा वो, तो उसकी वीडियो मैंने एक बना रखी है सेपरेट। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना स्केच को कैसे पैक करके भेजना है अच्छे से, ताकि वो रास्ते में फोल्ड ना हो और ख़राब ना हो। अगर आप फ्रेम दे रहे हो तो फ्रेम टूटे ना, तो मतलब ऐसे आपको कैसे पैक करना है, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, और किन किन बातों का आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका क्लाइंट के पास आपका इंप्रेशन अच्छा जाए, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। उसके बाद ये प्रोसेस आते हैं कि हमें डिलीवर कैसे करने हैं, जिसके ऊपर आज की ये वीडियो है। सो कुछ इस तरीके से आपको अपने स्केच को पैक करना है, एड्रेस लिखना है, देन आपको सिंपली उनसे कॉन्टैक्ट करके, अगर आप प्राइवेट कंपनी से करा रहे हो तो आप उन्हें कॉल कर सकते हो, उन्हें बुला सकते हो, वो आपके घर से आके ले जाएंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस से कर रहे हो तो आप पोस्ट ऑफिस में जाओ और वो आपका स्केच पार्सल कर देंगे। सो अगर आपने अपने स्केच को कैसे पैक करना है वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देखो। हाउ टू गेट कमीशन वर्क और अपने स्केच को कैसे पैक करें, मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो देख सकते हो। और हमारे चैनल पे एक आर्ट कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, अगर आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाओ और पार्टिसिपेट करो। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देखो, आपको उस आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइजेज आपको मिलेंगे आर्ट कॉम्पिटिशन में। सो जाओ और पार्टिसिपेट। सो बिल्कुल फ्री है आर्ट कॉम्पिटिशन और काफ़ी अच्छे प्राइजेज आपको देखने को मिलेंगे। सो जाओ और पार्टिसिपेट करो। सो मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।